नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बोकारो जिला भाजपा द्वारा वार्ड 4 स्थित नवीन को ऑपरेटिव स्थित सामुदायिक भवन में कोविड 19 की चुनौती, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन रखा गया। सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भरत यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। यादव ने कहा, यह सेमिनार कोविड 19 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए गए कार्य पर आयोजित है। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी नर्सों को काम पर लौटने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने इस मामले को लेकर कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने यहां महिला कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश चाहता है कि केंद्र सरकार महंगाई कम करे और जब तक केंद्र सरकार ये बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेगी, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में तेजी के साथ एक बार फिर देश में बुधवार को ईंधन के दाम बढ़ाए गए। इसे दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इसके साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.53 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली अंतिम महानगर है जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों की दबाव की राजनीति रंग लाई है। 825 क्षेत्र पंचायतों में 10 जुलाई को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव में ज्यादातर जगह मंत्रियों विधायकों की पसंद से टिकट दिए गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में दिन भर चली मशक्कत के बाद उम्मीदवार चयन को अंतिम रूप दिया गया। मऊ जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के भीकी मोहल्ले के डॉक्टर रामलाल राय की गली के पास रहने वाली एक महिला का मंगलवार की देर शाम युवक ने चाकू से गला रेत दिया। आरोपी युवक के साथ महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। घटना की वजह का पता नहीं चल सका था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गोरखपुर में वैक्सीन मिलने के बाद कोविड टीकाकरण का ग्राफ पिछले 2 दिनों के अंदर बढ़ गया है। जहां पिछले 1 सप्ताह से प्रतिदिन 5 से 7 हजार लोगों को टीका लग रहा था, वहीं 2 दिनों के अंदर 50 हजार से अधिक लोगों को टीका लग गया है। मंगलवार को 25,127 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया है। इसमें 19,076 को पहली और 6,051 को दूसरी डोज लगाई गई। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग DPI को वित्त मंत्रालय के तहत किया है। इससे पहले DPI भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। कैबिनेट सचिवालय द्वारा 6 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय में उपशीर्षक 5 वित्तीय सेवा विभाग के बाद निम्नलिखित उपशीर्षक शामिल किया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। नंदीग्राम चुनाव केस को लेकर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताते हुए बुधवार को कहा कि फिल्म जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय सिनेमा का मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। राज्यपाल ने ट्वीट किया, महान अभिनेता दिलीप कुमार के निधन का समाचार दुखद है।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने आज यानी 7 जुलाई 2021 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके करीबी मित्र फैजल फारूकी ने इस बारे में ट्विटर पर जानकारी साझा की थी। दुनिया भर से लोग दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं उनके साथ परछाई की तरह साथ रहने वाली उनकी पत्नी सारा बानो के लिए इस दुख से उबर पाना आसान नहीं होगा। सारा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता दुनिया के सामने एक मिसाल है। न आने जाने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कुछ भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सका। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए चीन के म्यांमार सीमा से लगते एक शहर को अधिकारियों ने बुधवार को बंद कर दिया। यहां ज्यादातर व्यवसाय बंद कर दिए गए, कई पाबंदियां लगा दी गयी और लोगों से घरों के भीतर रहने को कहा गया। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बीते 24 घंटे में रुईली में संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन में सभी व्यवसायों और सार्वजनिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। केवल अस्पतालों, दवा की दुकानों और राशन किराने की दुकानों जैसे आवश्यक सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।